एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आई एम चंदन कुमार, वंस अगेन वेलकम टू यू। नाउ इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ऑफ क्लास 10th। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है क्या 4x² + 4√3x + 3। इसको हमें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो फर्स्ट देखिए, जो हमारा फर्स्ट टर्म है इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक टर्म, ठीक है। क्या कैसा टर्म देते नाम इसका? हम लोग कहते हैं द्विघात पद है। कैसा पद है? द्विघात पद। द्विघात पद को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में क्या? तो इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक टर्म, ठीक है। इसका नाम क्या है? क्वाड्रेटिक टर्म नाम है। अभी क्वाड्रेटिक टर्म हुआ, ये जो हमारा दिख रहा है 4√3x, इसको हम लोग कहते हैं रैखिक पद। कैसा पद? रैखिक पद, जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर टर्म, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग लीनियर टर्म। आई जो बच खुच गया, इसको हम लोगों ने नाम दिया है क्या? अचर पद। कैसा पद नाम दिया है? हमने कहा यह है बाबू अचर पद है, जिसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। अब सबसे भली भांति हम लोग परिचित हो गए हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक टर्म है, लीनियर टर्म है और हमारा कांस्टेंट टर्म है। अब इसको शुरुआत करते हैं, इसको बनाएंगे आखिर कैसे। तो पुनः इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा नीचे भी लिख लेते हैं इसी चीज को। तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा 4x² + 4√3x + 3 इक्वल टू 0। ये जो हमारा द्विघात पद दिख रहा है ना, जिसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक टर्म, तो क्वाड्रेटिक टर्म को सबसे पहले जो इसका x² का कोफिशिएंट होगा उसे क्या करना होता है? x² के गुणांक को हटाना है। x² के गुणांक को क्या करना है? हमें हटाना है, ठीक है। तो बताइए जरा, x² के गुणांक को हम लोग हटाएंगे क्या? x² का गुणांक यहाँ पे क्या है? तो हम लोग कहेंगे x² का गुणांक यहाँ पे 4 है। तो 4 को हमें क्या करना है? रिमूव कर देना है, यानी इरेज कर देना है यहाँ से। तो कहेंगे हम लोग बगल में क्या लिखेंगे? 4 से दोनों तरफ क्या करने पर? भाग देने पर। 4 से दोनों तरफ क्या करने पर? भाग देने पर। अब जैसे ही हम लोग ये 4 से दोनों तरफ भाग देंगे तो क्या होगा? ये हमारा x² खाली हो जाएगा। तब हम लोग जरा देखिए, भाग दे करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा? 4x² + 4√3x / 4+3/4 = 0। अब जरा देखिए, इससे हम लोग भाग देंगे तो ये हमारा कट जाएगा, ये बच जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म का हमें कोई काम नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग उस साइड भेज देंगे। तो मेरे पास क्या बच जाएगा? तो बचेगा x² + √3x = -3/4 बचेगा, ठीक है। इतना ही बचेगा। अब ज़रा देखिए, बगल में हम लोग एक फार्मूला को देखेंगे। यहाँ पे दिया है हमारा प्लस में आया ना, तो हम लोग देखेंगे क्या, ज़रा देखिए यहीं पे देख लेते हैं हम लोग a + b, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर होता है क्या? तो हम लोग कहेंगे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a² + 2ab + b². जो भी स्टूडेंट को ये फार्मूला याद होगा ना, a + b² = a² + 2ab + b² होता है, तब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा देखिए, पहला टर्म यानी a² है तो हमारा x² है, 2ab है, 2ab है क्या? 2ab हम लोग यहाँ पे देखेंगे आता है या नहीं आता है, ठीक। तो जरा देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और। तो x² यानी x का होल स्क्वायर हो गया और कह रहा प्लस 2ab, 2 को हम लोग ले आते हैं तो 2 को हमने ले आया। फिर कहता a यानी पहल का टर्म चाहिए, तो पहल का टर्म हमारा क्या है? x है, पहल का टर्म लिख दिए। अब कहता है b, तो b कितना है? 3 है। ये 2 को अपने मन से लिया था हमने, तो 2 को अपने मन से लिया था, तो बराबर करने के लिए इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जितना लिए उतना ही नीचे भी देना होगा, तब कह देंगे 2ab भी हमारा पूरा हो गया। अब मेरे पास एक टर्म क्या बचा? b² बचा टर्म, तो b² भी तो लाना होगा ना। तब हम लोग कहेंगे जी हाँ, b² भी लाना होगा। तब हम कहेंगे b हमारा यही ना है, यहाँ से यहाँ तक b,
तब कहेंगे क्या रूट थ्री अपॉन टू का होल स्क्वायर क्या करने पर, दोनों तरफ जोड़ने पर, तो रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन फोर। तो बगल में क्या हम लोग करेंगे, बगल में लिख देंगे रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ने पर। अब रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ दिए तब हमें क्या बच जाएगा, अब जरा देखिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक के टर्म को हम लोग क्या कह सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर यह है ना, तब जब ए प्लस बी के होल स्क्वायर है तब हम क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं इतना बात को, एक्स प्लस रूट थ्री वाई टू का होल स्क्वायर इतना कह सकते हैं हम लोग, यानी ए प्लस बी तो हमारा रूट थ्री बाई टू था तो इतना का होल स्क्वायर कह सकते हैं। बराबर में क्या कह सकते हैं, इसको जरा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री अपॉन फोर माइनस थ्री अपॉन फोर, ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जैसे ही जरा ये टर्म जीरो हुआ तो हम लोग क्या कहेंगे, एक्स प्लस रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, जीरो। अभी जाएगा स्क्वायर हमारा उधर रूट में चढ़ेगा तब हम लोग इसको क्या कहेंगे, एक्स प्लस रूट थ्री बाई टू बराबर रूट अंडर जीरो। ठीक है, जब जीरो गया तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कहेंगे क्या, एक्स बराबर माइनस रूट थ्री बाई टू, जब एक्स बराबर माइनस रूट थ्री बाई टू आया ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी चीज़ को कह देंगे एक्स बराबर माइनस रूट थ्री बाई टू क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा था क्या, पूर्ण वर्ग विधि, जिसको हम लोग कहते हैं बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा तथा इसे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड अगले वीडियोज़ के साथ।